निवाड़ी में आज कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उसी के साथ जो रूठे हुए कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनको मनाने की बात कही है। देखिए क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय ने इस रिपोर्ट में। कांग्रेस प्रत्याशी ने बताई अपनी कार्य योजना निवाड़ी। विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय ने आज प्रेस वार्ता में अपनी आगामी कार्य योजना बताते हुए कहा कि हम कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस में आए हैं। अब हमारा किसी और विचारधारा से कोई सरोकार नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम निवाड़ी को रोजगार का हब बनाएंगे, ताकि अपने जिले सहित आसपास जिले के भी युवा अपने क्षेत्र में आकर रोजगार पा सकें। इस अवसर पर रमेश खरे, जगदीश तिवारी, नरेंद्र खरे, रविंद्र घोष, कृष्णकांत त्रिवेदी, ब्रजेंद्र शुक्ला, विवेक पटेल सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। ये पत्रकार वार्ता कांग्रेस पार्टी ने मुझे निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी चुना है, तो हम सभी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, संगठन के पदाधिकारीगण एवं कांग्रेस पार्टी के समस्त नेतागण, कार्यकर्तागण सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो सोचा कि मीडिया से भी कुछ बातों की चर्चा हो जाए। देखिए परिवार में कई सारे लोग होते हैं, कभी भी परिवार में कोई भी विषय आता है तो कोई ना कोई नाराज होता है, लेकिन ये नाराजगी बहुत लंबे समय की नहीं है। सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्द कल और परसों सब लोग एक साथ जब आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी फिर से होगी तो पूरी कांग्रेस पार्टी पूरा एक परिवार आपके सामने सामूहिक रूप से उपस्थित रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार का है, भय का है, आतंक का है, और जिस तरह से आपने देखा होगा चाहे जमीनों के घोटाले हों, चाहे निवाड़ी में युवा बेरोजगार हो, चाहे आप देख रहे होंगे जो शासन की योजनाएं रही, जिस तरह की भी जो भी योजनाएं रही, लेकिन हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला। कितने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार निवाड़ी में किया जाता है। निवाड़ी में आम व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं है, चाहे किसी भी, चाहे वो SDM कोर्ट चला जाए, चाहे तहसीलदार चला जाए, चाहे नामांतरण हो, मतलब कोई भी सरकारी काम बिना पैसों के नहीं होता। युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। अभी आपने देखा होगा मेरी माँ भी जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, तो रात भर थाने में उनके ऊपर हमला हुआ, रात भर थाने में बैठी, तब भी जाकर FIR नहीं लिखी गई। एक महिला जनप्रतिनिधि जिले की प्रथम नागरिक होने के बाद भी उनकी FIR नहीं लिखी जा रही। दूसरे दिन FIR लिखी गई तो क्रॉस केस कर दिया गया, उनके पति के ऊपर भी FIR कर दी गई। इस तरह का माहौल निवाड़ी में है। और रही मुद्दे की बात, तो मुद्दा तो पूरे मध्य प्रदेश में सबको पता है कि माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पूरे प्रदेश की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की जो खोखली घोषणाएं थी, सिर्फ वो घोषणाएं करते हैं, अभी तक धरातल पर कोई काम देखने को नहीं मिला। आज मध्य प्रदेश कर्ज के बोझ की तले किस तरह से दबा हुआ है, किस तरह से मध्य प्रदेश पीछे जा रहा है, ये सब आपके सामने है। किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, माताएं बहनों हो, इन सब की तरक्की और उन्नति को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे। मैं अपने साथियों को भी और अपने विरोधियों को भी, दोनों को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, कि विरोधियों से जो मतलब मेरे से थोड़ा सा अलग भाव है, कुछ विचारधारा के रहते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब कहीं मैं पीछे जाता हूँ या कहीं मुझे लगता है, तो मेरे साथ इतना नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है, तो इतने सारे नए लोग मुझे परिवार के रूप में मिले, इनका आशीर्वाद मिलेगा, तो आने वाले समय में ये तजुर्बा और बढ़ने वाला है। अभी कांग्रेस की नेत्री नई नई आई थी, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया। आज तक के इतिहास में जब से मेरा जन्म हुआ, एक सिंगल नोटिस मेरे नाम से कोई भी खनिज विभाग के द्वारा, कोई भी राजस्व विभाग के द्वारा या किसी भी विभाग के द्वारा आज तक नहीं निकाला। ये सब हमारे परिवार के सदस्य थोड़ा सा नाराज हैं, अगर दीदी नाराज है तो भाई मना लेगा, अगर भाई नाराज होता है तो बहन बना लेती है, कोई मेरे चाचा जी हैं तो कोई मेरी बहन है, तो कोई मेरे युवा साथीगण है, हम सब एक हैं। ये आप देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी है जिसमें कोई विरोध नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यालय में देखिए आप, कार्यकर्ता नेताओं को मारने के लिए घुस गए। विरोध देखना है तो भाजपा में देखिए, कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है। और आपको ये देखने को भी मिल रहा होगा कितने कम समय में कितना बड़ा हम सबका नेतृत्व हमारे साथ में उपस्थित है। देखिए ये चुनाव निवाड़ी का चुनाव नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव, कांग्रेस पार्टी नहीं जनता चुनाव लड़ रही है, चाहे निवाड़ी की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो। और निश्चित तौर पे
प्रत्याशी मैं हूँ, अलग बात है प्रत्याशी कोई भी होता कांग्रेस से निवाड़ी में, जीत कांग्रेस पार्टी की ही होती और ये चुनाव निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की नीतियों के खिलाफ ये चुनाव है। सबका साथ सबका विकास, सबके साथ मिलकर प्रयास करेंगे। निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 15 साल से हम लोग कांग्रेस के यहाँ पे हम लोग जीत नहीं रहे थे, लेकिन इस बार इतनी बड़ी जीत कांग्रेस की निवाड़ी से करके देंगे कि एक अलग ही पहचान पूरे बुंदेलखंड सहित मध्य प्रदेश में निवाड़ी की बने कि कांग्रेस ने निवाड़ी बहुत बड़ी जीत दर्ज की। पार्टी हुई है ये आप देख रहे होंगे, ये पार्टी ही बैठी हुई है और जो लोग नाराज है आपने देखा होगा, मैं घर घर गया, सबने मुझे खुद ये दुपट्टा पहनाया है, किसी ने मिठाई खिलाई तो किसी ने मुझे फूलमाला पहनाई, ये उनका आदर इसने। नाराजगी तो होती है लेकिन नाराजगी दूर करने के लिए हमने प्रयास किया है और नाराजगी दूर हुई है। दो चार लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है, वो भी जल्दी मान जाएंगे और पूरा परिवार एक साथ निवाड़ी में से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जल्दी से जल्दी एक से दो दिनों में कई सारे इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी से होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आदमी को टिकट दिया है जो कुशवाहा विरोधी है, जो यादव विरोधी है, जो अहरवार विरोधी है, जो कोरी समाज का विरोधी, जो राय समाज का विरोधी, जो ब्राह्मण समाज का विरोधी। ऐसी कौन सी समाज है जिसका विरोध अनिल जैन ने नहीं किया? जब ग्यारहवीं अहरवार जी को हमने जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बनाया तब उन्होंने अनिल जैन जी ने लगकर मुझे निष्कासित करा दिया। क्या अहरवार समाज अनिल जैन को माफ करेगी? अगर अहरवार समाज को मैंने सम्मान दिलाया तो मैंने क्या गुनाह किया? अगर कुशवाहा समाज का कोई व्यक्ति चुनाव जीत रहा था तो अनिल जैन ने उसको षड्यंत्र करके चुनाव हराया और अपनी पत्नी को जनपद का अध्यक्ष बनाया, ये क्या सही है? क्या वो लोग उनको माफ करेंगे? ब्राह्मण समाज, हर समाज का अनिल जैन ने उपहास उड़ाया है। अनिल जैन के आप देखिए भांजे के ऊपर 420, 467, 471 के मुकदमा न्यायालय के द्वारा पंजीकृत कराया गया। अनिल जैन जी की स्वयं की पत्नी जो जनपद पंचायत की अध्यक्ष है श्रीमती निरंजना जैन जी, उनके ऊपर भी लोकायुक्त में केस चल रहा है। आप अनिल जैन जी के सारे भ्रष्टाचार आप खुद देख रहे होंगे। आज कैसे एक नटबुल्ट की दुकान अनिल जैन साहब चलाते थे और कैसे उन्होंने निवाड़ी, मैं जिले का कह सकता हूं कि सबसे बड़ा भवन कैसे बना लिया? क्या आय है अनिल जैन साहब का? क्या व्यापार है? उनकी क्या आरटीआर है? इस तरह से आप उनसे पूछिए ना। जिला पंचायत उपाध्यक्ष आपके साथ है जी? जिला पंचायत उपाध्यक्ष यानी नहरवाल जी आपके साथ है? सभी लोग साथ में। जिला पंचायत अध्यक्ष आपके साथ है? जिला पंचायत अध्यक्ष जी सहित जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी शायद सभी साथ है। हमारे प्रदेश के नेतृत्व निवाड़ी में बहुत जल्द आएंगे और सब लोग बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में युवा साथी और सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी, पदाधिकारीगण एवं कई सारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी में एक साथ सामूहिक रूप से शामिल होगा। सब साथ में, बिल्कुल सब साथ में। हमारी पार्टी का कुछ वो है, सब एक साथ। भारतीय जनता पार्टी से है जिला पंचायत है नहीं, बिल्कुल देंगी ना, बिल्कुल इस्तीफा देंगे। अच्छा बस हाँ, आप आरएसएस की विचारधारा समर्थन कांग्रेस और आरएसएस में काफी अंतर, ये तालमेल कैसे हो गया? देखिए माननीय कमलनाथ जी के साथ अन्याय हुआ, 15 महीने में उनकी सरकार को किस तरह से खरीद फरोख करके मध्य प्रदेश से हटा दिया गया। माननीय राहुल गांधी जी ने किस तरह से पूरे भारत में यात्रा की, इतने किलोमीटर पैदल कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता चला है? आप उनके संघर्ष को देख, उस संघर्ष को देखकर कोई भी उनके प्रति समर्पित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो गरीब के गांव, गरीब और किसान के हितैषी है। युवाओं को आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी किस तरह से कार्य करी, आप उसकी विचारधारा आप छोड़ दीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर कांग्रेस पार्टी में आया हूं, अब मैं और किसी विचारधारा के साथ नहीं। 16 तारीख को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव के समय लगा कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है इसके पहले? नहीं, कांग्रेस पार्टी से देखिए कोई भी निर्णय 2 घंटे में 2 दिन में तो होता नहीं। मन और भाव कई महीनों और कई दिनों से विचलित होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन निर्णय और निर्णय लेने का दिन और एक समय तो तय होता ही। नहीं, निर्णय मुझे और पहले लेना था, 4 महीने पहले लेना था, उससे पहले जब मैं निष्कासित हुआ था तब भी मुझे निर्णय लेना था, लेकिन मेरे साथ में मेरे परिवार का कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है। मेरा घर सरकारी कर दिया गया, मेरा वाटर पार्क सरकारी कर दिया गया, मेरे क्रेशर सरकारी कर दिए गए, मेरा फार्म हाउस सरकारी कर दिया गया, मेरी कृषि भूमि सरकारी कर दी गई, मेरे बुआ का मकान जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं वो तोड़ दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, मेरी तमाम तरह से षड्यंत्र रच के करोड़ों रुपए की रिकवरी या कहीं जितने षड्यंत्र हो सकते थे सब किए। अगर मैं ये निर्णय थोड़ा और पहले लेता तो शायद मेरा परिवार सड़क पर आ जाता, शायद मेरे कई सारे सैकड़ों कार्यकर्ता जिन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए उनका क्या होता। इसलिए मुझे पार्टी के द्वारा आश्वासन दिया गया था, पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ता की चिंता करती, इसलिए पार्टी के निर्देश पर उचित समय पर मैंने निर्णय लिया।
आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप टिकट खरीद कर लाए हैं। मैं रामराज सरकार की नगरी में बैठा हूँ, रामराज सरकार की सौगंध खाकर कहता हूँ एक रुपए का भी कोई लेन देन नहीं हुआ है, किसी को चाय भी इस टिकट के लिए नहीं पिलाई गई है। ये सिर्फ रामराज सरकार वहाँ पीतामराय वहीं के आशीर्वाद से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जो पूरे मध्य प्रदेश के नेता जन नेता है, हमारे जन नायक है आदरणीय कमलनाथ जी और संघर्षशील नेता जो हम कार्यकर्ताओं का हमेशा संरक्षण करने का काम करते हैं ऐसे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश और देश और जिले के नेतृत्व और जिले के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से ही मुझे टिकट मिला। जब कांग्रेस के कई प्रत्याशी आपको टिकट दिया, अच्छा पांच सर्वे हो गया कांग्रेस सर्वे में आपको किसी भी सर्वे में नाम नहीं किया, मेरा फिर टिकट कैसे हो गया? मेरा प्रत्येक सर्वे में नाम था। ये कांग्रेस पार्टी भारत की अभी सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है, ये बिना सर्वे के आधार पर टिकट नहीं देती है। आप जानकारी करेंगे तो हर सर्वे में मेरा नाम था, यहाँ पे कई सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण पार्टी के लोग बैठे हैं, सबको इस बात के बारे में जानकारी है, सर्वे में नाम मेरा था। और माननीय मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने तो कांग्रेसियों का, मैंने आपको बताया चार महीने पहले भी मैंने निवेदन किया था तब मेरा नाम सर्वे में डाला। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर क्षेत्र में निवाड़ी आगे बढ़ेगी, चाहे हमारा टूरिज्म के क्षेत्र में ओरछा हो ये विश्व में एक ऐसी पहचान बनाए, ओरछा में फिल्म सिटी भी बनाने के लिए प्रयास करेंगे, चाहे ओरछा में हवाई पट्टी का निर्माण हमें कराना हो, ओरछा हमारा जो बेतवा है यहाँ पे हम प्रयास करेंगे छोटे छोटे जहाज, एक अलग टूरिज्म एक अलग कैसे बढ़ावा मिले, हमारे पास सेंचुरी भी है, हम कैसे उसको पन्ना की तरह या शिवपुरी की तरह उसको डेवलप करें, मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी सोच है। एक औद्योगिक हब निवाड़ी को बनाएंगे कि आस पड़ोस के 10 जिलों से लोग रोजगार लेने के लिए निवाड़ी में आए, ये सब मेरा प्रयास रहेगा। गांव में और शहर में ज्यादा अंतर हमें देखने को ना मिले ये भी हमारा प्रयास रहेगा। और निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से मैं फिर कह रहा हूँ, गुंडागिरी आतंक और जो भ्रष्टाचार है इसको खत्म करना सबसे बड़ा प्रयास है। अभी आपने कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय की प्रेस वार्ता को सुना है, क्या कुछ कहा है आपको हमारे चैनल की खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।